लेटर्स। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं SSC, बैंक एंड रेलवे की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशंस को और करिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत नॉलेज बॉक्स के क्विज, टेस्ट सीरीज एंड अमेजिंग वीडियो के साथ में। यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार ट्रिक, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट निकालने की, है ना, घनमूल निकालने की एक मज़ेदार ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना आपको। आपको कम से कम यार 1 से लेके 10 तक के क्यूब नहीं आनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपको आने चाहिए। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब तो आप जानते ही होंगे, है ना, 1000। क्लियर है क्या? तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब हमें आने चाहिए। ये क्यों आने चाहिए मैं आपको बता देता हूं। इससे हमें यूनिट डिजिट का पता लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे पास में आ गया, हमने लिया 166375, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट लेनी पड़ेगी, इकाई का अंक लेना पड़ेगा कि भाई यूनिट डिजिट क्या है इसकी, ठीक है। अब एक बात सोचिए आप, ये 1 है तो 1 का क्यूब होगा तो 1 होगी, मतलब जिसके लास्ट का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका लास्ट का अंक 1 आएगा। अगर 8 है तो लास्ट का अंक 2 आएगा। अगर 7 है लास्ट में तो 3 आएगा यूनिट डिजिट। अगर 4 है तो 4 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 9 है तो 9 आएगा और 0 है तो 0 आएगा। मतलब अगर यहां पे लास्ट में 5 है और यहां पे 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 आएगा। ये बात सोच लीजिए, पेर बना दिया मैंने तो लास्ट का अंक क्या आएगा, 5 है, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है। क्लियर है क्या? तो इसलिए हमें यह याद रखना है। अब किस किस के इक्वल होते हैं भाई? अगर 1 है तो 1 ही आएगा, अगर आपका 4 है तो 4 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 9 है तो 9 ही आएगा। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके इक्वल होते हैं, 1, 4, 6, 9, ठीक है। बाकी सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैं आपको तरीका ही बता दूंगा कि अगर ये भी याद नहीं हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए, पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम करना है 3-3 के जोड़े बना लेने हैं। यहां पे 3 का जोड़ा, बाकी यहां जो बच गया उसको अलग कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो एक काम करिए, लास्ट के नंबर का क्यूब कीजिए दिमाग में। तो 5 का क्यूब 125, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा। क्लियर है क्या? उसके बाद में आपको ये देखना है कि जो नंबर बच गया 166, ये किस किस क्यूब के बीच में वैरी करता है। तो भाई जरा ध्यान से देखिए, 166, 125 और 216 के बीच में वैरी करता है, यस या नो? तो हमें हमेशा कम वाला लेना है। क्या लेना है? हमेशा कम वाला लेना है। तो कम वाला क्या है, 125, मतलब 5 का क्यूब, मतलब 5 लेना है। तो यहां पे क्या आएगा, नंबर 5 आएगा और वही क्या होगा, हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। समझ में नहीं आया? चलिए एक और देखते हैं मजेदार एग्जाम्पल। हमारे पास में आ गया 97,336, ठीक है। करना क्या है भाई, सिंपल सा फंडा, हमें यहां पे 3 के जोड़े बनाने हैं, यहां पे 6 है तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, लास्ट में 6 आएगा, पक्की बात। 97 किस किस क्यूब के बीच में आ रहा है बताओ, 64 और 125 के बीच में आ रहा है। तो 64, 4 का क्यूब 125, 5 का, छोटा क्या है, 64। तो आंसर क्या आ गया, 46, परफेक्टली राइट आंसर। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट से। हमारे पास में मान लीजिए आ गया 592704,
592704। क्या करना है? पेयर बनाएंगे ऐसे अनु, तो चार का क्यूब क्या होता है? 64 होता है, तो क्या आएगा यहां पे? चार आएगा। उसके बाद में 592 किस किस के बीच में आ रहा है बताओ? 592 भाई साहब ये आ रहा है आपके 8 के क्यूब के पास में और 9 के क्यूब के पास में, तो छोटा क्या है? 8 है, तो आंसर आ गया ना भाई 84। खत्म, क्लियर है क्या? चलिए क्लियर है तो मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आप करें। 185 193 का क्यूब रूट क्या होगा? फटाफट से सभी लोग ट्राई करेंगे, क्या बोलने वाले हम लोग? हाँ जी भाई, क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे ऐसे नो, 3 का क्यूब करेंगे, 27 27, तो लास्ट में क्या आएगा? 7 आएगा। अब 185 किस किस के बीच में आ रहा है बताओ? 185 5 और 6 के बीच में आ रहा है, छोटा क्या है? 5 है, तो क्या आंसर आएगा हमारा? 57। परफेक्टली राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 673 हमारे पास में आ गया, तो लास्ट में क्या है? 3 का क्यूब 27 7 आएगा ऐसे आनो। उसके बाद में 912 किसके बीच में आ रहा है भाई साहब? 729 और 1000 के बीच में आ रहा है, तो कम क्या है? 9 है, 729 है, तो 97 परफेक्टली राइट आंसर। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 250047 जल्दी से इसका हमें क्यूब रूट बताना है फटाफट से। बिना मिस्टेक किए हुए कॉमन लेंगे, सॉरी ये पेयर बनाएंगे ऐसे आनो, पेयर बन गया 7 का क्यूब 343 तो लास्ट में क्या आ गया? 3 आ गया। अब ये 250 बच गया, 250 किस किस के बीच में आ रहा है बताओ? 216 और 343 के बीच में आ रहा है, छोटा क्या है? 216 मतलब 6 का क्यूब, तो 63 परफेक्टली राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको अमेजिंग ट्रिक समझ में आई होगी, अब आपको इस क्यूब रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और किस किस तरीके से कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है आप बताइए, उसी तरीके का वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।